दुनिया को देखने के लिए आँखों का सही रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आँखें जो है हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत पार्ट हैं। आँखों में कोई भी समस्या होने पर चेहरे की सुंदरता व दृष्टि दोनों पर ही असर पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको आँखों से संबंधित एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्टाई यानी बिलौनी, जिसे आपकी गुहेरी के नाम से भी जानते हैं, कि यह क्यों होता है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन जरूर रहे, जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियोस से अपडेटेड रहें, आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो स्टाई यानी गुहेरी है यह क्या है। यह आईलिड में पाया जाने वाला एक डिजीज़ है, मींस कि आपकी आपकी अपर आईलिड में भी हो सकता है, आपकी लोअर में भी हो सकता है और साइड में भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो आईज में जो हेयर हैं, यहाँ पर सीबेसियस ग्लैंड पाया जाता है जिसमें से सीबम का सिक्रीशन होता है। कभी कभी क्या होता है कि सीबम इसमें से सिक्रीट नहीं हो पाते हैं तो उस जगह पर एक गांठ जैसे बन जाती है, वहाँ पर एक फुंसी का शेप बन जाता है उस, तो यही होता है स्टाई। तो स्टाई जो है इसके कारण की बात करते हैं कि किस वजह से होता है। तो इसका जो मेन कॉज है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम का बैक्टीरिया है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपकी आईज़ पे अगर इसका इन्फेक्शन पहुंच जाता है, आपकी फिंगर मतलब आपकी स्किन पर स्टेफाइलोकोकस जो है ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं लेकिन स्किन को कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन अगर ये आपके हेयर रूट पे आपकी आईलिड पर पहुंच गया है तो वहाँ पर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसकी वजह से आईज़ में फुंसी, छोटी छोटी फुंसी हो जाती हैं जो कि बहुत ही पेनफुल होती हैं और रेडनेस उनमें प्रेजेंट होता है, तो इसका मेन कॉज है। और दूसरा, अगर आपका जो सीबेसियस ग्लैंड है वो बंद हो जाए तो मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि सीबेसियस ग्लैंड जो है ये बालों की जो जड़ हैं यहाँ पर आसपास प्रेजेंट होता है जिससे कि सीबम का निर्माण होता है, लेकिन ग्लैंड के बंद हो जाने पर जो सीबम का सिक्रीशन है वो नहीं हो पाता है सही से और त्वचा स्किन पर एक ही जगह एकत्रित होने लग जाती हैं और वहाँ पर गांठ या फुंसी बना लेती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे अगर आपको स्टाई की परेशानी है। तो इसमें क्या होगा, आपकी आँख पर फुंसी हो सकती है, चाहे अपर आईलिड पे हो चाहे लोअर आईलिड पे हो, ये इंटरनल या एक्सटर्नल कहीं भी हो सकता है। तो इसमें फुंसी होगा, उसमें लालिमा देखने को मिलेगा, अगर जैसे केस पुराना होता जाएगा तो उसमें पस फॉर्मेशन भी हो सकता है। साथ ही साथ पेनफुल होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होगा, ईचिंग प्रेजेंट रहेगा और आँखों में ऐसा लगेगा कि बहुत ही भारीपन महसूस हो रहा है, आँखें बहुत हैवी हो गई हैं और साथ ही साथ आँखों में इन्फेक्शन की वजह से पानी भी आ सकता है। ये तो कुछ मेन इसके जो लक्षण हैं ये हैं। जो स्टाई यानी बिलौनी जो है वो मेनली क्या खुद भी ठीक हो जाती है, मीन्स ज़रूरी नहीं इसके लिए ट्रीटमेंट लिया जाए, विद इन 7 to 9 days ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को रिपीटेशन होता है, मीन्स कि बार बार बिलौनी निकलने की दिक्कत होती है, बिलौनी जिसे गुहेरी या स्टाई के नाम से जानते हैं, अगर बार बार आप में ये परेशानी हो रही है, आँख पे फुंसी निकल आ रही है या फिर गांठ बन जा रहा है जिसे कि चैलेजियन भी बोलते हैं कि आँख पे गांठ निकल आ रहा है, इस तरह की अगर परेशानी है तो दिक्कत वाली बात है। तो इसके लिए आपको मेडिसिन लेना कंपल्सरी है और बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो आज मैं आपको इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ घरेलू उपचार बताना चाहती हूँ जो कि आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा अगर आपको बिलौनी निकली है। तो इसके लिए आपको अमरूद के पत्ते लेने, 5 to 7 अमरूद के पत्ते लीजिए, उसको पानी में डाल करके अच्छे से बॉयल कीजिए। बॉयल होने के बाद जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो एक सॉफ्ट कपड़ा लें, टॉवल लें सॉफ्ट, उसको पानी में डिप करके उससे आँखों की कम से कम 15 मिनट तक सिकाई करें। इस प्रोसेस को आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक करने के कीजिए और दिन में 3 बार अवश्य ही करें, 3 to 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन है आँखों में वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि अमरूद के पत्तों में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी दोनों प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा।
अब नेक्स्ट आपको होम्योपैथिक मेडिसिंस बताती हूँ जो कि बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आपको बार बार स्टाई निकलने की दिक्कत है, बार बार बिलौनी हो रही है, तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है स्टेफिसैग्रिया। स्टेफिसैग्रिया आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। अगर आपको बार बार बिलौनी निकल रही है, गांठ पड़ गया है, आपको चैलेजियन की दिक्कत हो गई है, आइस पे आप देखेंगे कि एक गांठ पड़ जाता है, कि हार्ड से सॉफ्ट दोनों हो सकता है ये। साथ ही साथ अगर आपकी आँख में ईचिंग हो रही है तो भी ये बहुत ही अच्छा है, यूज़फुल है आपके लिए। स्वेलिंग है, अगर पस फॉर्मेशन है तो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है दवाई। तो इस मेडिसिन की आपको स्टेफिसैग्रिया की दो दो बूंद यूज़ करनी है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ जो है इसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपकी आइज़ में पस फॉर्मेशन हो गया है, केस पुराना होता जा रहा है, पस पीलापन आ गया है आपके स्टाई में और उसमें मवाद भर गया है, जिसे आप पस को मवाद के नाम से जाना जाता है कॉमनली ऐसे, तो मवाद को सुखाने के लिए इसका बहुत ही अच्छा रोल है। अगर मवाद सूखने वाला होगा, मीन्स कम होगा, तो ये दवाई लेने से आपका मवाद जो है वो सूख जाएगा। अगर ज़्यादा अमाउंट में होगा तो ये मेडिसिन अपने आप ही उस मवाद को आपके स्टाई से बाहर निकाल देगी और आपके इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी। तो हिपरसल्फ को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, दो दो बूंद यूज़ करना है। नेक्स्ट मेडिसिन कैल्केडिया फ्लोर। कैल्केडिया फ्लोर इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन। अगर आपकी आँख पे गांठ बन गई है या फिर बार बार हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, आपको बार बार बिलौनी की शिकायत हो रही है, पेनफुल है, तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसका मेन काम जो है गांठ किसी भी तरह का हो, कहीं भी उसको गलाने का होता है। तो कैल्केडिया फ्लोर को आपको 6x पोटेंसी में यूज़ करना है और 4-4 टैबलेट इस मेडिसिन की सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार लेना है। तो ये तो स्टाई के बारे में कुछ ज़रूरी बातें, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर किसी डिजीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है, आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर स्टाई यानी बिलौनी के बारे में कोई क्वेश्चन है, मेडिसिन की डोजेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।